आइडियल इंडिया टीवी। आज कन्नौज जनपद में हुए नगर निकाय चुनाव में वोट डाले गए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का जोश दिखाई दिया। मतदाताओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता की है। जनपद की 8 नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 2,57,000 मतदाता थे। जिसमें से लगभग 64% मतदान किया गया। मतदान करने वाले में बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष और दिव्यांग भी शामिल हुए। पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में खासा जोश दिखाई दिया। कन्नौज जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत में एक एक महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के चलते पूरे जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर पहुंचकर हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने खास रिपोर्ट तैयार की। मतदान करने आए मतदाताओं से भी हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे ने खास बातचीत की। नाम है आपका? आज आप मतदान करने आए नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद पर या सभासद पद पर, क्या मुद्दे हैं जिन पे आप मतदान करने आए? सफाई का, विकास का। मुख्य मुद्दा यहाँ पे क्या है? विकास का। पहली बार वोट डालने गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी उत्साह है। आपके साथ बहुत लोग आए होंगे वोट डालने के, पहली बार क्या कुछ उत्साह देखने को मिला, कैसा उत्साह है? पहले के चुनाव होते थे उसमें जबरदस्ती लोग वोट डालते थे, इसमें आराम से सब लोग वोट डाल रहे हैं। आप वोट करने आए हैं पहली बार, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने आए हैं यहाँ पे? हमारे देश में विकास होना चाहिए। नहीं, यहाँ की जो कन्नौज की नगर पालिका में जिस वोट करने आए हैं, नगर पालिका में मुख्य मुद्दा क्या है जिस पे आप आज वोट करने के लिए आए हैं? वैसे सड़क के ऊपर कुछ भी। क्या मूलभूत यहाँ जरूरत क्या है, शिक्षा या सड़क या पानी, क्या समस्या है यहाँ पे अभी? सड़क की है, पानी की भी है थोड़ी सी। इन मुद्दों पे आप वोट करने हैं? तो आज जनपद में निरीक्षण किया गया, किस प्रकार से सर निरीक्षण मिला? पूरा कानपुर परिक्षेत्र में आज के जो नगर निकाय के चुनाव हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं और बहुत ही व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की कन्नौज की टीम ने भी, डीएम साहब और एसपी ने, सब ने पहले से आकलन किया हुआ था, संवेदनशीलता का आकलन किया गया था और पूरी तरह निष्पक्षता से, सुरक्षित भाव से यहाँ पर अभी मतदान संपन्न हो रहा है। सर, गुस्साई घटना सर सामने आई थी सर, उसके लिए सर क्या अंदाजा किया गया था? उसमें कार्रवाई हुई, उसमें कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई। कन्नौज से संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।